सनसनी ऑफ इंडिया। चोरी के दो लैपटॉप बेचने के बाद एक चोर खरीदार को चोरी का माल खरीदने की पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे तंग आकर लैपटॉप खरीदने वाले कारोबारी ने चोर की गला दबाकर हत्या करके शव को प्लास्टिक में लपेटकर एक पार्क के पास फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर शव के पास मिले चादर और प्लास्टिक से ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए बेकरी मालिक के भाइयों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मुख्य आरोपी 45 वर्षीय अफजल अंसारी, इसका भाई 38 वर्षीय सवेजल अंसारी, सहयोगी 30 वर्षीय राशिद अंसारी, 20 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल और 27 वर्षीय अबरार अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल स्कूटर व यमुना नदी में फेंका गया मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कलसी ने बताया कि 7 जनवरी को थाना सराय रोहिल्ला में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी कि इंद्रलोक इलाके में तिकोना पार्क के अंदर चादर में लिपटा और रस्सियों से बंधा हुआ एक शव पड़ा हुआ है। कॉल मिलते ही इंद्रलोक पुलिस पोस्ट से SI दीपक लोहचब मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बेडशीट में रस्सियों से लिपटे 20-25 साल के युवक का शव मिला। मृतक की गर्दन और हाथ पर चोट के निशान थे। मृतक की निजी तलाशी लेने पर कुछ नकदी, बीड़ी का बंडल, लाइटर, एक फेस मास्क आदि बरामद हुआ, लेकिन उसकी पहचान का कोई कागजात नहीं मिला। सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने दिनांक 7 जनवरी 2022 को FIR संख्या 17/22 अंडर सेक्शन 302/201 हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू। दिल्ली NCR के सभी थानों में मृतक की डिटेल शेयर की गई। जांच टीम ने दिल्ली पुलिस की ZipNet वेबसाइट पर मिसिंग पर्सन डाटा खंगाला। आखिरकार मृतक की पहचान प्रताप नगर निवासी 20 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई। पुलिस टीम को जांच में यह भी पता चला कि मृतक व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड से था। मृतक की लंबी क्राइम हिस्ट्री थी। मृतक व्यक्ति 20 से भी अधिक चोरी जैसी वारदातों में शामिल पाया गया। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने और अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कलसी ने राकेश कुमार त्यागी ACP सराय रोहिल्ला की सुपरविजन व शीश पाल SHO थाना सराय रोहिल्ला के नेतृत्व में जितेंद्र तिवारी इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, योगराज दलाल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटर, दीपक इंचार्ज इंद्रलोक पुलिस पोस्ट, हेड कांस्टेबल राम बाबू, संदीप, रोहित, कांस्टेबल अमित, वीरेंद्र, जितेंद्र और सनोज की अलग अलग कई टीमें बनाई। पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ की। मृतक की पत्नी ने बताया कि 6 जनवरी को उसकी तबीयत खराब थी। उसने अपने पति अभिषेक से डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कहा। अभिषेक डॉक्टर के यहाँ गया तो क्लिनिक बंद थी। वो पत्नी को वापस घर ले आया और कुछ देर में आने की बात कर चला गया। इसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर सबसे पहले घर के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला। CCTV कैमरों में मृतक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पदम नगर स्थित एक बेकरी में जाता दिखाई दिया। मृतक की लास्ट मोबाइल लोकेशन भी बेकरी के आसपास आ रही थी। जांच टीम ने बेकरी के आसपास मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। मुखबिरों से पता चला कि मृतक का पदम नगर में बेकरी चलाने वाले कारोबारियों से कुछ विवाद चल रहा था। जांच टीम ने बेकरी में छानबीन की तो बड़ी सफलता हाथ लगी। जिस चादर में लिपटा हुआ अभिषेक का शव मिला था, उसका कुछ हिस्सा व पॉलीथीन बेकरी से मिल गया। सबूत मिलते ही पुलिस टीम ने बेकरी मालिक 45 वर्षीय अफजल अंसारी, इसका भाई 38 वर्षीय सवेजल अंसारी, सहयोगी 30 वर्षीय राशिद अंसारी, 20 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल और 27 वर्षीय अबरार अंसारी से सख्ती से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में आरोपितों ने मृतक अभिषेक की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। अफजल ने बताया कि एक साल पहले उन्होंने अभिषेक से 5,000 रुपए में चोरी के 2 लैपटॉप खरीदे थे। चोरी के 2 लैपटॉप बेचने के बाद अभिषेक पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। वह धीरे धीरे 1,00,000 रुपए उनसे ले चुका था। 6 जनवरी को 20,000 रुपयों की डिमांड करने पहुंचा था। उस समय खजूरी में बेकरी चलाने वाला अफजल का भाई सवेजल भी वहां था। पहले अभिषेक को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना। सभी ने मिलकर उसकी बेकरी के ही दूसरे कमरे में गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को चादर में लपेटकर स्कूटर की मदद से तिकोना पार्क इंद्रलोक में ठिकाने लगा दिया। खजूरी जाते समय आरोपी सवेजल ने अभिषेक का मोबाइल यमुना में फेंक दिया। पुलिस ने स्कूटी व मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया। बाकी आरोपी राशिद, इसराफिल और अबरार ने हत्या करने में सहयोग किया। मुख्य आरोपी पदम नगर निवासी 45 वर्षीय अफजल अंसारी एक बेकरी की दुकान चलाता है। सितंबर 2020 में चोरी का सामान खरीदने के आरोप में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है। दूसरा आरोपी श्रीराम कॉलोनी खजूरी निवासी 38 वर्षीय सजल अंसारी मुख्य आरोपी अफजल अंसारी का सगा भाई है और खजूरी में बेकरी की दुकान चलाता है।
मृतक के आने पर वो दुकान पर मौजूद था। बाकी तीन आरोपी 30 वर्षीय राशिद अंसारी, 20 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल, 27 वर्षीय मोहम्मद अबरार पदम नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। सभी आरोपी व्यक्ति पीछे जिला जमुई बिहार के रहने वाले हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क, अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।